Hi, Kangana. Oh, yeah, no, right. Sohail here. Yeah, aage. Hi. Congratulations to you and the entire team. हम टाइटल की बात करते हैं. पहले मेंटल है क्या था, अभी जजमेंटल हो गया. यू आर अ फाइटर, बट देन यू रियली एक्सेप्टेड दिस टाइटल वेरी इजीली. आर यू रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग एक्चुअली? क्योंकि हमने तो फिल्में बहुत सी देखी जिसके टाइटल बहुत ही मतलब ख़राब होते हैं. मेंटल है क्या, वॉज नथिंग लाइक वेरी ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग? सर, अभी जब कोई भी चीज़ कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है. तो मुझे पता है, हमको जो है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं, हम अगर चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो वो उस सब को ही ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाना सीख लिया है. उसी में ही जितना कम हो सके उनको उतना कम तकलीफ देते हुए हम निकलना चाहते हैं. तो आई थिंक हम लोगों को कई तरीके के थ्रेट से बहुत ज़्यादा केसेस जो है हम लोगों पे कर दिए थे. और ऐसा कहा जा रहा है, जबकि जो किक है उसका साउथ टाइटल, जो किक फिल्म है सलमान जी की, उसका साउथ टाइटल ही मेंटल है. पर हमारे सामने ये तथ्य रखे गए कि पिछले ही साल से, अभी अमूमन अभी आजकल ये बैन हो गया है वर्ड, मतलब अभी कुछ पिछले कुछ वीक्स पहले ये बैन हो गया है. और हमको पेशी के बाद पेशी, जबकि सेंसर ने हमारा बहुत सहयोग दिया, पर जो साइकाइट्री एसोसिएशन है वो कह रहे थे कि आप हमारे साथ कोर्ट में लड़ लीजिए और हम आपको दिखा देंगे कि ये वर्ड एक्चुअल में ही कुछ हफ्तों पहले बैन हो चुका है. सो फिर ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव दैट मच चॉइस, बट वी ट्रूली बिलीव कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सिंसियरिटी है, और जिस तरह से आपने देखा हमारी फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट मिला है, वो भी उन्हीं ने, वहाँ पर उनका पूरा पैनल बैठा हुआ था और उन्होंने काफ़ी हैवी दिल से कहा, फिल्म तो आपने इतनी अच्छी बनाई है, हमें कुछ मिला ही नहीं उसके अंदर. तो इतने जितने भारी दिल से उन्होंने कहा, वो देख के हमें भी थोड़ा सा वो हो गया. सो ऑब्वियसली वी हैव कंप्लीट फेथ इन आर इंटेंशंस. एंड जिस इशू को लेके, जिन लोगों को लेके बनाई गई है, तो छोटा टाइटल से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. आपके जवाब से पता चला कि लाइफ में थोड़ा यू हैव स्टार्टेड, यू नो, थोड़ा कूल डाउन होना भी ज़रूरी है. आई मीन टू से, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे अपने टाइटल को लेकर थोड़ा आपने सोचा कि चलो रास्ता बना लो, तो हैव यू थोड़ा आपका जो थॉट प्रोसेस हाँ, मेरी मम्मी को एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 30 के बाद ही थोड़ा काम डाउन होती जाएगी फिर हेलो 30 मेरा हो गया है, अब धीरे 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 इसके अंदर की आग बुझती जाएगी तो वो हो रहा है, आई कैन सी.